अलीगढ़ के थाना प्रवासी क्षेत्र के पटवारी पुलिस चौकी स्थित मौलाना आजाद नगर में दिन निकलते ही लोगों में उस वक्त अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जब किराए के मकान में रह रहे पति पत्नी के बीच हुए मामूली कहासुनी के चलते पति ने अपनी पत्नी के जिस्म पर धारदार खुरपी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। खुरपी से काटकर निर्मम हत्या कर दी और पति द्वारा पत्नी की खुरपी से काटकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही इलाके में पुलिस सहित पुलिस के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को पत्नी की हत्या के इस्तेमाल में किए गए आलाकस्त्र खुरपी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस की गिरफ्त से आए हत्यारे पति को मौके से पकड़कर थाने ले गई, जहां पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा घटना को लेकर आरोपी से पति से पूछताछ की जा रही है। आज सुबह थाना कुवारसी के अंतर्गत नंगला पटवारी चौकी के मौलाना आजाद नगर के गली नंबर 2 में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति आसिफ सन ऑफ माशूक अली द्वारा अपनी पत्नी हिना को खुरपी से वार करके मार दिया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौके से ही आरोपी आसिफ सन ऑफ माशूक अली को मैं आला कत्ल खुरपी के गिरफ्तार किया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई हेतु अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ जो मृतका है उसके परिवारजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।